देख रहे हैं ZTV News 24। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रिश्वत लेते चकबंदी विभाग का लिपिक गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने 3000 की रिश्वत लेते मौके से पकड़ा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग के लिपिक को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपी को सिविल लाइन थाने में लेकर आया गया। आरोपी लिपिक यशवंत सिंह ने जमीन का दाखिल खारिज कराने के नाम पर 10000 रुपए की रकम की मांग की थी। इसके बाद पीड़ित प्रमोद कुमार ने एंटी करप्शन टीम को शिकायत की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और लिपिक को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके से धर दबोचा है। ZTV न्यूज 24 के लिए मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला था, कहां से पकड़ा है आपने, किसको पकड़ा है? ये कल हमारे पास शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार आए थे गोविंदापुर के। उन्होंने बताया कि उनके फादर ने जो है उनको जो है उपहार स्वरूप जमीन दी थी, तो उस जमीन का जो है दाखिल खारिज होना था, तो चकबंदी उसमें है। वहाँ उनकी पत्रावली थी, तो यशवंत सिंह जो वहाँ पर लिपिक हैं, उन्होंने ये कहा कि पहले तो 10000 रुपये मांगे, लेकिन इनका फैसला आपस में हुआ 3000 रुपये से कि 3000 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हारी पत्रावली को। ये 12 तारीख की बात थी, तो कल हमारे पास आए थे, तो हमने जो है टीम गठित लखनऊ से की और आज जो है इनको 12 बजे चकबंदी अधिकारी कार्यालय है कचहरी में, वहाँ से 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेजेंट गिरफ्तार किया। सर क्या इसमें चकबंदी अधिकारी जो है कमलेश कुमार उनका इन्वॉल्वमेंट था? भाई साहब अभी तो हमारे सामने जो है लिपिक का आया है, चकबंदी अधिकारी का हमारे सामने अभी नहीं आया है, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो देखा जाएगा।